शोबिज़ फनकार दूसरों को कॉपी करते रहते हैं, लेकिन मौसीकी कॉपी करना एक जुर्म और चरबा समझा जाता है। ताहम कई ऐसे मौसीकार भी होते हैं जो इस महारत से मौसीकी चराते हैं कि किसी को कानों कान भी खबर ना हो, लेकिन एक न एक दिन पकड़े ही जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है भारतीय मौसीकार अन्नु मलिक के साथ। दुनिया भर से दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस के लिए देखो टीवी को सब्सक्राइब करें और देखते रहें देखो टीवी। आपको बताते चलें कि टोक्यो ओलंपिक्स में इसराइली एथलीट आटम डोलगोपियात की जीत पर भारत के मारूफ मौसीकार अन्नु मलिक के पोल खुल गई। खेलों के सबसे बड़े मुकाबले ओलंपिक्स का मैदान टोक्यो में सजा और 9 रोज से मुकाबले जारी हैं, जिसमें दुनिया भर के एथलीट शरीक हैं। जिमनास्टिक में इसराइली एथलीट आटम डोलगोपियात ने गोल्ड मेडल जीता, तो इनके विक्ट्री स्टैंड पर आते ही अन्नु मलिक की पोल खुल गई। दरअसल हुआ ये कि इसराइली एथलीट की जीत पर इसराइली कौमी तराने की धुन बजाई गई और ये धुन भारत के मशहूर गीत मेरा मुल्क मेरा देश से मुशाबा निकली। ये भारतीय गीत अजय देवगन की 1996 में रिलीज होने वाली फिल्म दिल जले का है, जिसकी मौसीकी अन्नु मलिक ने तरतीब दी है। ये गीत न सिर्फ भारत में मकबूल है बल्कि यौम आज़ादी पर भी तकरीबात में बजाया जाता है। अब अन्नु मलिक पर मेरा मुल्क मेरा देश की धुन इसराइली कौमी तराने से चुराने का इल्जाम लग गया, तो वहीं उनकी इस चोरी पर सोशल मीडिया सार्फीन भी फट पड़े। सोशल मीडिया सार्फीन का कहना है कि अन्नु मलिक 25 साल से 1 अरब से ज्यादा लोगों को बेवकूफ बनाता रहा। बताते चलें कि अन्नु मलिक बॉलीवुड के मारूफ मौसीकार हैं और कई सुपरहिट गानों की मौसीकी तरतीब दे चुके हैं और इससे कबल भी इन पर गीतों की चोरी का इल्जाम लग चुका है। दुनिया भर से दिलचस्प और मालूमती वीडियोस के लिए देखो टीवी को सब्सक्राइब करें और देखते रहें देखो टीवी।